नमस्कार किसान साथियों, आपका आपके YouTube मन पसंदीदा चैनल सादावत केसरी में आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। आप कैसे हैं ये सबसे पहले बताइएगा। परिवार में सब कुशल मंगल है या नहीं है ये सबसे पहले फैक्ट बात है। और आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके आलू की निकासी के बारे में, कितनी परसेंटेज जो उत्तर प्रदेश से आलू की हो चुकी है। आज हम भाव नहीं बताएंगे क्योंकि भाव से आपका जो है मनोबल टूटता है और कई बार मंडियाँ उठती हैं तो कई बार गिरती हैं। मंडियों में उछाल बरकरार है वो हम आपको रेगुलर बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है अब आलू किसानों का, क्योंकि सरकार बार बार अपने वादों से मुकर रही है और सरकार यही कह रही है कि हमने ये किया वो किया। निर्यात पे जो हमने आपको आंकड़ा बताया था, अब वो निर्यात भी एग्रीकल्चर बोर्ड से हटा दिए गए, यानी कि सारा कुछ छुपा दिया जा रहा है कि आखिर ये सरकार चाहती क्या है। लेकिन हमें ये हम उसके लिए बिल्कुल जड़ से खोद के ला रहे हैं कि कहाँ क्या है। आज की वीडियो आपके लिए आपको हम मार्केट के भाव भी बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर आप हमारी वीडियो को शेयर क्यों नहीं करते हैं। सर कुछ लोग कहते हैं सोनू भाई आप तो झूठ बोलते हैं, सोनू भाई आप ये कहते हैं, तो ये देखिए ये मक्कारपना आप बंद कर दीजिए क्योंकि आप व्यापारी हैं, और ये किसानों को बरगलाना बंद कर दीजिए। कमेंट सेक्शन भी मैं बंद करने वाला हूं क्योंकि ज़्यादातर जो कमेंट आ रहे हैं वो व्यापारी के आ रहे हैं, किसानों का एक भी नहीं आ रहा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आप बोलते हैं कि सोनू भाई राजनीतिकरण कर रहे हैं, भाई मैं पत्रकार हूं, मुझे तो काम करना ही करना है, आपके लिए मैं आलू के लिए अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। क्योंकि आप वीडियो शेयर ही नहीं करते तो फिर मैं आपको वीडियो दिखा के करूँगा क्या? आपको जहाँ अच्छा लग रहा है वहाँ देखिए। लेकिन सबसे एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जो मेरे चैनल पे आपको सटीकता मिलेगी वो किसी और चैनल पे नहीं मिलेगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। कुछ लोग कहेंगे आप मियां मिट्ठू बनते हैं, भाई मियां मिट्ठू नहीं बनना हूं, मैं हकीकत बताता हूं। आज मैं बता रहा हूं, आप एक दो दिन बाद या 15 दिन बाद उसी को देख लेते हैं कि जब आपको विश्वास होता है कि सोनू चौधरी ने तो पहले ही बता दिया था, ये तो अब हमें तो पहले ही पता पड़ गया था। चलिए कोई बात नहीं, ये आप लोगों का अंदाज है। तो आज मैं बात कर लेता हूं आपकी परसेंटेज निकासी की। तो उत्तर प्रदेश में अब तक 51% की निकासी हो चुकी है दिनांक 31 अगस्त 2021 तक। अब आप पूछेंगे सोनू भाई किस किस जिले में कितनी कितनी निकासी हुई है, तो देखिए आगरा में 49% की निकासी हो चुकी है, अलीगढ़ में 42% की हो चुकी है, हाथरस में 45% की ओवर अगस्त तक निकासी हो चुकी है, मथुरा में 40% आंकड़ा पहुँच चुका है, मेरठ में 42%, अमरोहा में 43%, बुलंदशहर में 45%, इटावा में 42%, कासगंज में 45%, बरेली में 43% से 48%, सहारनपुर में 40%, इलाहाबाद में 44%, संभल में 60%, पीलीभीत में 38%, झांसी में 48%, हापुड़ में 38%, जौनपुर में आपका 39%, जालौन में आपका 41%, फिरोजाबाद में 45%, कानपुर में 48%, आपका शामली में 43%, कन्नौज में 50%, हरदोई में 40%, बाराबंकी में 40%, गोंडा में 53%, हरदोई में 55%, और आपका बलरामपुर में 55%। और अगर आप बात करें कि भाई जो आलू है, जैसे कि आप बोलते हैं भाई हमें वाराणसी की भी बता दो, तो वाराणसी के कोल्ड स्टोरेज में निकासी जो है ओवरऑल 48% हो चुकी है। तो ये एक लखनऊ के कोल्ड स्टोरेज की बात कर लेते हैं क्योंकि कई जगह काफ़ी कम कोल्ड स्टोरेज है, लेकिन वहाँ आलू करते हैं, वो भी पूछते हैं भैया कितनी हो गई है, तो लखनऊ में 66% की निकासी हो चुकी है। अगर ये आंकड़ा बिल्कुल आपके हॉर्टिकल्चर बोर्ड से लिया गया है, इसमें जरा सी भी कहीं से भी कोई भी वो नहीं है कि आप ये कहें नहीं। और कुछ लोग अब ये कहेंगे अरे ये तो झूठे आंकड़े हैं, ये झूठे नहीं बिल्कुल सच्चे आंकड़े हैं, क्योंकि जो 20 अगस्त के बाद में जिस तरीके से निकासी बढ़ी है, एक एक कोल्ड स्टोरेज में 7 से 8 ट्रक जो है बाहर निकल रहे हैं, अन्ना ट्रक जिसमें 800 पैकेट जाती हैं, जो छोटे ट्रक्स होते हैं उनमें 400 पैकेट जाती हैं। तो अब निकासी काफ़ी तेज़ रफ्तार से चल रही है और जो चोर हैं वो अपने मकसद में कामयाब हो गए और उन्होंने किसानों का आलू जो है औने पौने दामों पर खरीदना शुरू कर दिया। अब जब आलू की निकासी शुरू हो चुकी है, किसान कोल्ड स्टोरेज का रुख कर चुके हैं, तो अब हम उन्हें रुकना क्यों चाहेंगे? क्योंकि जिन किसानों को उनका धैर्य जवाब देने लगा है कि 800 कब बिकेगा 800 कब बिकेगा, कुछ लोगों ने इस तरीके का बनाया कि सोनू चौधरी ने ये बताया था, सोनू चौधरी ने बताया, सोनू चौधरी तो झूठ बोलता है, सोनू चौधरी झूठ नहीं बोलता। आज मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 10 अगस्त से लेकर आपने 15 अगस्त तक लेके 20 अगस्त तक, यानी कि 10-15 दिन में इतनी मेहनत की थी, तो देखिए रेट दाम बढ़े थे कि नहीं बढ़े थे कमेंट में जरूर बताना। जब आपने वीडियो शेयर करना बंद किया आप बिखर गए, उन्होंने लूटना शुरू कर दिया, आपके हाथ में क्या आया 350-450, आप उसी टाइम लिखा रहे हैं। अब एक महीने का समय दिखा दे, सितंबर बचा है, अक्टूबर में गड़ाई होनी है, अब क्या होगा? तो पंजाब भी दिखा दी, पंजाब की फसल आएगी। किसान भाई एक बात बता दूं, पंजाब की फसल नहीं आएगी इस बार, ये लिखित में ले लूं, क्योंकि 15 तारीख तक पंजाब में रेड अलर्ट जारी किया गया है भारी बरसात का।
ऐसे में कोई भी पंजाब का किसान ये नहीं चाहेगा कि वो लागत लगाएं और बे मट्टी में मिल जाए। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आलू का पूरा दारोमदार बढ़ जाएगा, क्योंकि पंजाब की फसल लेट होगी, अक्टूबर में गड़ाई होगी तो वो उधर ही आएगी दिसंबर के आसपास, जो आ जाती है आपके उस पर वो नहीं आ पाएगी जो दीपावली पे आती है। अब बात की, एक यूट्यूबर भाई ने बताया था कि भाई ये ऊना में और हिमाचल प्रदेश में फसल लग गई है। भाई साहब मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, वहाँ की वीडियो दिखा दीजिएगा, वहाँ हिमाचल प्रदेश में बारिश हो रही है। जिनका बेगा जिन्होंने खेत बोया था, कम से कम हजारों हेक्टेयर की फसल की बुवाई हो चुकी थी, वो बिल्कुल ये अब बताएंगे, वो पठारी इलाका मैदानी इलाका ये हुआ वो हुआ कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ आप जैसा ही हुआ है, दोमट मिट्टी है वहाँ की, जलवायु वहाँ की अतिशीतोष्ण और इसी वजह से वहाँ पर प्रभाव ज़्यादा हुआ है। अब वो किसान जो है, क्योंकि पंजाब से सारा बीज खरीद ले गए और अब वहाँ पर गड़ाई की और गड़ाई करने के बाद बरसात हुई, फैल गया बीज जो है, अब फिर दोबारा निकाल लें। यानी कुल मिला के बात यह है कि अगर आप धैर्य बनाए रखते तो ये मैं आपकी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में आपका आलू जो है 800 नहीं और भी क्रॉस करता। लेकिन आपने आलू निकाल दिया तो इसमें आप मुझे क्या करना है, आप मुझे झूठा बोलिए चाहे सच्चा बोलिए, ये तो जो व्यवहारिक किसान हैं वो जानते होंगे। बहरहाल यही था मेरे साथ में। अगर आप बात कर लेते हैं आपके लिए बिजनेस के बारे में, तो आप अपना जो थोक का व्यापार करना चाहते हैं, क्योंकि आलू तो बेच दिया, अब करेंगे क्या, एक दो महीने क्या करना है आपको। अब थोक का व्यापार ही मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। हम सभी की ज़िंदगी में बेसिक ज़रूरतों को पूरा करना पड़ता है और इन सारी चीज़ों को रोटी कपड़ा मकान अन्य आते हैं। आज हर कोई चाहता है कि हमें अच्छे दामों पर अच्छी चीज़ मिले। हम दुकानों पर जाते हैं और कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन अगर वही चीज़ या सामान हमें ज़्यादा मात्रा में खरीदना होता है तो हम क्या करते हैं, बताइए हम क्या करते हैं। तो हम सब ये सोचते हैं कि ये जो माल है हमें जो महंगा मिला है ये सस्ते में मिल जाए, और यही कारण है कि थोक विक्रेता ज़्यादा मात्रा में सामान खरीद कर जहाँ सामान बेचता है उस पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन कर लेता है। अब कैसे करता है थोक विक्रेता, अगर आपको थोक का काम करना है तो कैसे करेंगे। यदि ऐसे विक्रेता किसी सामान को ज़्यादा मात्रा या बल्क मात्रा में फुटकर या ग्राहक को बेचते हैं तो उन्हें थोक विक्रेता कहा जाता है। थोक विक्रेता और बिजनेस शुरुआत करने के लिए आवश्यक जानकारी, यानी कि आप कोई थोक का काम करना चाहते हैं, इस वीडियो में मैं वो भी बताने जा रहा हूँ। किसी भी व्यापार को शुरू करने से पहले कुछ जानकारियाँ आप लोगों को होना बेहद ज़रूरी होता है। सिर्फ शुरू ही नहीं किया जाए, उसमें कैसे सफल हुआ जाता है, कैसे उसमें मुनाफा कमाया जाता है और कैसे उसे बेहतर और सार्वजनिक तौर पर लाया जाता है, इस वीडियो में मैं आपको वो बताने की कोशिश करूँगा। थोक विक्रेता थोक व्यापार की शुरुआत करने से पहले मार्केट में किस सामान की सबसे ज़्यादा मांग होती है आपको वो देखना है, इसकी जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी या मैन्युफैक्चरिंग एजेंट या फैक्ट्रियों से कैसे माल आपको लेना है, मैन्युफैक्चर कंपनी वाले से क्या पॉलिसी होती है, क्या वो रिटर्न सामान लेने के बाद रिटर्न पॉलिसी देती हैं या नहीं। यानी कि कई कई बार ऐसा होता है कि आपने माल ले लिया और उसकी जो मार्केट है वो बिल्कुल यानी कि ख़त्म हो गई, तो आप उसे क्या करेंगे, वो माल तो ख़राब होना ही होना है, लेकिन फैक्ट्रियां उसे रिटर्न लेती हैं कि नहीं लेती हैं। अगर फैक्ट्रियां रिटर्न ले लेती हैं तो उसका रिसाइकिल हो जाता है, रिसाइकिल होने के बाद में अब वो फिर दोबारा से नई उसमें मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है। जिस भी सामान की बिक्री करनी है तो उसकी दाम की सही जानकारी आप लोगों को होना बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ज़्यादा दामों पर सामान ना भेज दे। यानी कि अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से सही उचित दामों पे नहीं लिया तो हो सकता है कंपनी आपको महंगे दामों पे दे दे, और जब मार्केट में आएंगे तो दाम कुछ अलग होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आपको सही दाम पे फैक्ट्रियों से माल लेना है। मार्केटिंग और नेटवर्किंग की सही जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है, जिससे आप अपने बिजनेस की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो थोक व्यापार आपको शुरू कैसे करना है, थोक व्यापार की बिक्री करने के लिए एक ऐसा फील्ड है जहां विक्रेता को सामान की बड़ी मात्रा खरीद कर बेच कर बड़ा मुनाफा कमाना होता है। यानी कि आपको सिर्फ ऐसे मैं बताऊंगा कि मात्र 20,000 रुपये लगाएंगे और 1,00,000 रुपये तक एक महीने में कमाएंगे, लेकिन ये कैसे होगा आप वीडियो में देखते रहिए। आपको सबसे पहले करना क्या है, पहले मार्केट के बारे में पूरी जानकारी लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियों या जहां एजेंसी हैं उनका पता लगाइए, बिजनेस के लिए जगह ढूंढिए और एक ऐसे उसका नाम का चयन कीजिए, जैसे कि आपने मान लीजिए राम ट्रेडर्स, मुखिया जी ट्रेडर्स, ऐसे नाम देखिए कि जो एकदम लोगों के दिमाग में आए, या चौधरी क्लासेस, चौधरी ये, तो मतलब एकदम ऐसे नाम कि जो व्यावहारिक रूप में एक समान लोगों के मुँह पर रट जाएँ ऐसे।
एक मैन आपको परमिट भी लेना होगा, यानी कि आपको एक वकील भी रखना होगा ताकि कोई भी ऐसा कोई क्लेम करता है तो उसका फौरन जवाब दिया जा सके। मैन्युफैक्चरिंग जो जहाँ कंपनियों में जहाँ माल बनता है उनसे कैसे प्रोडक्ट खरीदना है, ग्राहकों को या फुटकर विक्रेताओं को बल्क में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सामान देने से मुनाफा अच्छा होता है, यानी कि आप जिस रेट पे ला रहे हैं उसी रेट से थोड़ा इंक्रीज़ करते हुए अगर एक प्रोडक्ट पे भी आप मान लीजिए आपके पास 200 पैकेट हैं, अगर आपने उस पे एक 10 रुपये भी लिए तो 2000 पैकेटों के इस हिसाब से कम आप एक दिन में ही कम से कम 10,000 रुपये डेली कमा सकते हैं। इसके लिए मैं मुनाफा बता देता हूँ। मार्केट के बारे में पूरी जानकारी, किसी भी मार्केट को शुरू करने के लिए जिस भी मार्केट में जाना है उसकी पूरी जानकारी, किस उत्पाद की मांग ज़्यादा है, मार्केट में उत्पादक जो है का सही दाम है की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, जगह कैसी होनी चाहिए, बिजनेस कहाँ ज़्यादा चलेगा, ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी होती है जिसमें बिजनेस को बढ़ाया जा सके, वो मार्केट में नाम कमाकर मुनाफा कमाया जा सके। यानी कि आपको पहले ये देखना है मार्केट में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, यानी कि आप पहले ये देखिए अब सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है, आप अगर 20,000 रुपये में अगर कंबल या जैकेट खरीद लाएंगे तो 20,000 का एक बार में ही और वो करने के बाद में अब 1,00,000 रुपये तक कमा सकते हैं, और उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियों को पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको मैन्युफैक्चरिंग उत्पादों को वहाँ जाना पड़ेगा, एजेंसियों जहाँ इसका उत्पाद होता है उनसे बिजनेस करने के लिए एक सही मैन्युफैक्चर फैक्ट्रियों का पता लगाना होगा जो रजिस्टर्ड होती हैं, यानी कि रजिस्टर्ड कंपनी आपको रिटर्न पॉलिसी भी देती हैं, आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो अब बात कर लें बिजनेस की जगह ढूंढने, बिजनेस के लिए जगह का ढूंढना और नाम का चयन करना, बिजनेस को सेटअप करने में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है उसके लिए जगह और नाम का चयन करना, जिससे उसे नाम को जाना जाए और उसे आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक उसके नाम और काम की वजह से उसकी तरफ आएँ। मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियों एजेंसी से उत्पाद खरीदना, यानी कि आप खुद जान लीजिए कि आपको ऐसे जगह का चुनाव करना है और ऐसा नाम रखना है कि जिससे बरबस ही लोग आपकी तरफ एकत्र आकर्षित होते आएँ और आप लोगों को पूरा बेनिफिट मिले। अगर आप करते हैं कि थोक विक्रेता अपने बिजनेस को शुरुआत करने के लिए सबसे पहले उत्पादन की मात्रा और कम पैसे में मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियों से इन चीज़ों को खरीदना होता है, यानी कि मेरी कोई कंपनी है, मेरी कोई फैक्ट्री है, अगर आप थोक का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप मुझसे ले सकते हैं सस्ते दरों पर, और उसे आप जितना भी मार्जिन कमाना चाहते हैं उतना मार्जिन पर आप दे सकते हैं। अगर बात करें अकाउंट ऑफ मैनेजमेंट मार्केटिंग की, तो आपको थोक विक्रेता अपने बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको एक अकाउंट मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी जिसमें बिजनेस का सारा हिसाब किताब, बचत, लागत व काम करने वालों की पेमेंट का ब्यौरा रखना होगा, और मार्केटिंग करने के लिए आपको बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेना पड़ेगा ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑनलाइन में आप वेबसाइट बनवा सकते हैं, वेबसाइट के माध्यम से आप अपने उसको प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, या कुछ ऐसी वेबसाइट होती हैं जिन पर आप अपना कनेक्ट करने के बाद में आप अपना सामान को सेल कर सकते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, टाटा क्लिक है, ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां आप अपना शॉप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और लाखों रुपए कमा सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं करना है तो अगर आपको अपने शोरूम पर विक्रेता फुटकर विक्रेताओं को आकर्षित करना करने के लिए उन्हें अगर मुनाफा कमाना है तो एक व्यापार को सही दिशा देता है, यानी कि आपको अपने जो बिजनेस है उसका एडवर्टाइजमेंट करवाना है, समाचार पत्रों में करवाइए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करवाइए या वेब डिजिटल मार्केटिंग से अपने आप खुद कीजिए, यानी कि ये फॉर्मल है कि आप इसका विक्रय करते हैं। फुटकर विक्रेताओं ग्राहकों को बल्क मात्रा में ज़्यादा मात्रा में सामान थोक विक्रेता कम दामों पर और फुट विक्रेता ग्राहकों को सामान बेच देते हैं, यानी कि अगर आप फुटकर विक्रेताओं को देंगे तो आपको उसमें 20% का भी फायदा हो सकता है, 40% का भी फायदा हो सकता है। अब वो फुटकर विक्रेता ग्राहकों को क्या दे रहा है उससे आपका कोई मतलब नहीं है, आपका काम है सिर्फ आप थोक विक्रेता बनिए और उसे फुटकर को विक्रेता को दीजिए। थोक विक्रेता कभी कम मात्रा में सामान नहीं बेचते, तो ये बल्क मात्रा में सामान की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियों से खरीदकर और उसे 10-20% मार्जिन पे फुटकर विक्रेताओं को बेच देते हैं, यानी कि अगर आपने 200 रुपये का माल लिया और अगर आपने 200 रुपये का फैक्ट्री से लेके आए और उसे अगर 240 रुपये में फुटकर विक्रेताओं को दे दिया, अब वो 240 का चाहे वो 280 में ग्राहकों को दे चाहे किसी में दे, लेकिन आपको 40% मिल गया। आपको ये काम करना है। अगर मुनाफा कमाना है तो आप सीधा फैक्ट्रियों से मुनाफा कमा सकते हैं, यानी कि आपको मुनाफा कैसे कमाना है कि आप फैक्ट्रियों से माल लाइए और फुटकर विक्रेताओं को दे दिए, जिससे आपको नाम और सफलता दोनों मिल जाती हैं। अब बात करेंगे हम आपके और भी टॉपिक के बारे में, तो टॉपिक यह है कि आपको जो आप बोलते हैं भाई सोनू भाई किस में सबसे ज़्यादा मुनाफा हो सकता है, तो मैं आपको सलाह दूंगा 3 चीज़ों की।
तो पहला होता है टेक्सटाइल का थोक बिजनेस यानी गारमेंट्स का, दूसरा होता है जो रोजाना उत्पाद होने वाले सामान हैं उनकी, तीसरा होता है फुटवेयर यानी कि बदलते ट्रेंड। तो बात करते हैं गारमेंट्स की। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा मांग और मुनाफा दोनों है। इसके अंतर्गत देखिए गारमेंट्स में लेडीज सूट्स, साड़ी, कुर्ती, पैंट, शर्ट, कुर्ता, पजामा और बच्चों के किड्स गारमेंट के थोक बिजनेस किया जाता है। अगर आप इसका बिजनेस करना चाहते हैं तो ये बहुत मुनाफा देने वाला काम है जिसकी मांग कभी भी कम नहीं होती। इसकी मांग दिनों दिन बढ़ती है क्योंकि ट्रेंडिंग है, फैशन रोजाना बदलती रहती है। तो ऐसे में नई नई डिजाइनों के नए नए कलेवर में ये चीज़ आती रहती हैं और आप लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये चीज़ कभी भी लोअर वाली क्वालिटी वाली नहीं होती। अगर बस इसमें बस अगर वो है तो आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं और फुटकर विक्रेताओं को दुकानों पर जाकर सेल्स कर सकते हैं या अपना खुद का एक बड़ा शोरूम बनाइए, वहाँ पर फैशनेबल डिजाइनों को अलग अलग उसमें रखिए। हाँ, आपकी दुकान पर ये मिलता है तो किसान ग्राहक जो अपने आप बरबस चलाएगा। अगर आप बोलते हैं कि कहाँ से माल लाना है तो आपको सूरत, दिल्ली व अन्य शहरों में जाकर गारमेंट लाकर थोक विक्री कर सकते हो। क्योंकि गर्मी, ठंड, जो सर्दियाँ होती हैं, गर्मियाँ होती हैं और बरसात के मौसम होते हैं, ये इसमें अलग अलग कपड़ों की मांग होती है। ये कपड़ों का बिजनेस लगातार चलता रहता है, ये कभी थकने वाला नहीं है। और इसमें मात्र 50,000 रुपये लगाकर 5,00,000 रुपये महीने तक की आमदनी हो जाती है। लेकिन एक बार आपको 50,000 लगाने पड़ेंगे। अब बात करते हैं FMCG की यानी कि फास्ट मूविंग कंप्यूटर जो वाले उत्पाद होते हैं। इसमें क्या क्या होता है, शैम्पू होता है, तेल होते हैं, तो आपका फेस वॉश होता है, दूध, चीनी, ये सारे उत्पाद ऐसे होते हैं जो रोज़ाना प्रयोग किए जाते हैं। इनकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इनकी खपत भी जल्दी होती है तो बनावट भी यानी कि उत्पाद भी, मैन्युफैक्चरिंग भी जल्दी हो जाती है। इसे मात्र 20,000 रुपये से शुरू कर दिया जाता है। अगर 20,000 रुपये आप लगाएंगे थोक व्यापार में तो आप 50,000 रुपये मंथली तक कमा सकते हैं। अब बात करते हैं फुटवेयर की, जो चप्पल जूते होते हैं। आज के दौर में नई टेक्सटाइल यानी फैशन जो आ जाती है, भाई आप देखते हो कि भाई क्या फैशन की दुनिया है। नई नई चीज़ों के आने से खुद को अच्छा दिखाना हर एक आदमी चाहता है, इसलिए फुटवेयर की डिमांड सबसे ज़्यादा, मांग इस पर रहती है। इसका थोक बिक्री का बिजनेस कभी भी लॉस होने वाला नहीं होता है, नहीं ये ठप होता है, ये दिनों दिन बढ़ता रहता है। लेकिन आपको इसके लिए आपको सही जानकारी की ज़रूरत है। मार्केट में उत्पाद के दामों से अधिक दाम पर आपको खरीदारी नहीं करनी है, कम दामों पर फैक्ट्रियों से सामान लेना है। जो भी आपका फुटवियर है, जूते, चप्पल, सैंडल वगैरह, इन सबको कम दामों पे लीजिए। फुटकर विक्रेताओं को 20-30% मार्जिन पे दे दिए, वो क्या करता है वो उसकी जानकारी है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपको इसमें कोई भी लॉस नहीं हो सकता है। इस व्यापार को शुरू करने के लिए मात्र आपके 10,000 रुपये होने चाहिए और 10,000 रुपये का जो आपका फुटवियर है वो आपका 20,000 रुपये, 30,000 रुपये तक महीना आमदनी देता है। अगर बात करें कि भाई हमें तो दुकान ही खोलनी है, पूरा ये करना है, तो आपके लिए एक सबसे बड़ा ऑप्शन रहेगा, आप 8,00,000 रुपये तक का माल लगा सकते हैं और उसे प्रॉफिट के तौर पे वो कर सकते हैं। लेकिन मेरा सीधा ये है कि आप थोड़ा अल्प मात्रा में शुरुआत कीजिए, फिर धीरे 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 करके अपना स्टार्टअप करते रहिए। अब बात करते हैं जो कि मार्केटिंग, इसमें क्या क्या कमी होती हैं और क्या कैसे आपका व्यापार ठप हो सकता है। देखो मैं बता दूं, बिना मांग वाले ज़्यादा जो आप बिजनेस करते हैं जिनका कोई भी सरोकार नहीं होता, वो कभी कभी बिजनेस नहीं चलता है। जैसे मार्केटिंग में जब ग्राहकों को जानकारी ही नहीं है कि आपको कैसे सामान खरीदना है, कैसे आपको अरेंज करना है, कैसे आपको उसे देना है और क्या क्या अच्छे माध्यम है, लेकिन आप लोग ज़्यादा जल्द प्रॉफिट के चक्कर में ग्राहकों को ज़्यादा दामों पर बेचना शुरू कर देते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है कि आप लोग बिजनेस को शुरुआत ढंग से नहीं कर पाते हैं। फुटकर विक्रेताओं को आप यानी कि आपने हर एक आदमी ये सोचता है मैं एकदम करोड़ों देते हैं, स्टार्टअप होता है, शुरुआत धीरे धीरे की जाती है। तो अब बात करते हैं अकाउंट मैनेजमेंट में की कमी की। तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा कितनी लागत हमने लगाई है, कितना हमने मैन्युफैक्चरिंग में लाके आए हैं, कितना हमने अपने वर्करों को पेमेंट किया है, ये सब की जानकारी नहीं होगी तो बिजनेस का ठप होना अपने आप स्वाभाविक है। आप इस तरीके से अगर इन सभी बातों को फॉलो करेंगे, अच्छा मैनेजमेंट रखेंगे, अपना अकाउंट रखेंगे, डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, अखबारों, मीडिया के माध्यम से प्रचार अभियान करेंगे, नाम ऐसा रखेंगे अपनी फर्म का जिससे कि लोग आकर्षित हों फुटकर वाले, तो आप लोग इसमें काफ़ी लाभ कमा सकते हैं। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं हम तो 10,00,000 रुपये लगाएंगे, ये लगाएंगे, लेकिन अगर आप 10,00,000 भी लगा रहे हैं तो कृपया सोच समझ के लगाएं, लेकिन उस ऐसे व्यापार का चयन करें जो आपको प्रॉफिट दे सकता है। जैसे कि आपने 10,00,000 लगाए तो गारमेंट्स व्यापार में लगाइए, क्योंकि गारमेंट्स व्यापार जो है रोज हर नए
हर महीने नई चेंजिंग आती रहती है, डिजाइनें आती रहती हैं, बच्चों के कलर्स आते रहते हैं। अभी हम ये पहन रहे हैं, कल हमें ये अच्छा नहीं लगा, दूसरा पहन लेंगे। तो गारमेंट्स व्यापार आपके लिए काफ़ी मुफीद है। दूसरा फुटवेयर यानी चप्पल जूते वाला, नई नई तरीके की डिजाइन आ रही है, ये कभी भी बिजनेस ठप नहीं हो सकता, ये लगातार चलता रहेगा। बहरहाल मेरे साथ में वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमें आपके साथ, आपको भी हमारा साथ देना होगा। धन्यवाद।